हेलो फ्रेंड्स, और आज इसको हम क्विल्ट करेंगे। तो क्विल्ट करने के लिए आज हमने इसके लिए केवल लिया है पीछे के लिए एक कपड़ा। अब पीछे देखिए, कोई भी सिवाय इस 5x5 इंच के कपड़े के अलावा कोई जोड़ नहीं है, और ये काफ़ी मजबूत है अपने आप में। तो इसको आज हम दूसरी तरह से क्विल्ट करेंगे। क्विल्ट के लिए क्या करना है, इसके बराबर का कपड़ा लेंगे, सिंपल सीधी तरफ से रखते हुए, और जितना बड़ा ये पीस है उतना ही बड़ा कपड़ा लेंगे। तो फिर मैंने आज यहाँ दुपट्टे का कपड़ा लिया है, और इसको एक कॉर्नर से जोड़ते हुए रखेंगे बराबर से, लंबाई चौड़ाई में पूरा फैला लेंगे, और इसमें बीच में थोड़ी सी दूरी छोड़ते हुए यहाँ से डबल मशीन चलाते हुए पूरा कॉर्नर पर ले आएंगे, पूरा चारों तरफ से सिलते हुए आएंगे, और यहाँ पर डबल मशीन करके छोड़ देंगे। और इसको चारों तरफ हमने सिल दिया है, और जो इसके कॉर्नर हैं उनको हम इस तरह से कट कर देंगे। और जहाँ से खुला छोड़ा था वहाँ से इसको अब हम सीधा कर लेंगे, यहाँ से सारे कॉर्नर अच्छे से निकाल लेंगे। अब इसको सीधा करने के बाद, सारे कॉर्नर अच्छे से निकालने के बाद, अब ये जो खुला पीस है इसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए इस तरह से जब पकड़ेंगे तो ये अपने आप अंदर की तरफ जाएगा, और इस पर एक दाब मशीन चलाते हुए चारों तरफ सिलाई कर देंगे। अब इसमें हमने जब दाब मशीन दे दी तो कहीं से पता नहीं चलेगा कि इसको हमने पलटा कहाँ से, और इसको बाहर वाला पीस सिला कैसे। तो दाब मशीन देने के बाद अब क्या करना है कि यहाँ से एक चाप की दूरी पर एक मशीन चारों तरफ और चला देंगे, एक चाप या 1/2 इंच की दूरी पर। और इस तरह से साइड में एक सिलाई और देने से अब जो नीचे का कपड़ा है वो अपनी जगह से खिसकेगा नहीं, और ओढ़ने या बिछाने ये दोनों तरह से काम आ सकती है। और इस तरह से हमने इसको कलर कॉम्बिनेशन में दिया, पीछे रेड दे दिया और रेड के साथ ही ये ब्लू और येलो भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से ये एक चादर हमारी कंप्लीट हो गई। इसको चाहे ओढ़ने के लिए बनाएं, चाहे बिछाने के लिए बनाएं, ये पूरी तरह से
कंप्लीट है। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ नया और यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।